और अब बात सूरजकुंड मेले की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के दूसरे दिन सैकड़ों की तादाद में कला प्रेमी पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की थीम ने हर किसी को दीवाना बनाया। हरियाणा की बंजारी के नगाड़े की थाप पर हर कोई झूमता नजर आया। अरावली की हसीन वादियों में सजा हुआ 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला अब अपने रंग बिखेरने को पूरी तरह से तैयार है। उद्घाटन समारोह के दूसरे दिन ही दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा समेत देश भर से सैकड़ों कला प्रेमी यहाँ पहुंचे। मेले की सजावट देखकर हर कोई तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सका। मेले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने सभी को मोहित कर दिया। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पहले दिन ही बहुत बढ़िया। हर शॉप से लग रहा है कुछ ना कुछ खरीद ही लो, रुका नहीं जा रहा। हर बार सोचते हैं हम निकल लेंगे सीधे बाहर, पर फिर रुक जाते हैं। मेले में हरियाणा के बंजारी का नगाड़ा एक बार फिर जमकर धूम मचा रहा है। बंजारी के नगाड़े की थाप पर हर कोई थिरक रहा है। यहाँ तक कि मेले में तैनात पुलिसकर्मी भी इस धुन पर खुद को रोक नहीं पाए। मेले की शुरुआत भले ही भव्य तरीके से हुई हो, लेकिन इन दो दिनों में शिल्पकारों को कुछ खास फायदा नहीं पहुँचा। सूरजकुंड के मेले में कला के कदरदानों को ऐसे ग्राहकों का इंतजार है जो उनकी मेहनत का उन्हें सही दाम दे सकें। अच्छा लगता है सर, सूरजकुंड मेला है, लकड़ी का मूर्ति है, बालाजी बड़ा पुतने बालाजी चेला का है, जोला है, गाय कृष्णा है, गणेश है, सरस्वती है, और बड़ा बड़ा पैनल्स है, वॉल एंगल्स है, ब्रैकेट्स है, सब मिला के बहुत बड़ा बड़ा महंगो आइटम है। शनिवार को महामहिम रामनाथ कोविंद ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया था। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई राजनेताओं ने शिरकत की थी। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।